अगर कुछ बोलोगे तो आपको 100 रुपए, एक लाइन बोलनी है। फिट हमारे राघव भाई सबसे आगे जा रहे हैं। टोली पाजी और नमस्कार सभी, और मैं आपको हिमाचल के विराट कोहली से मिलाता हूँ। ये हमारे विराट फिटनेस में। एक बारी बारिश देख लो, जरा तिरछी बारिश चली है, तिरछी। मैं अपने बंद कर दूँ यार, अंदर बारिश हो रही है बहुत भयंकर। ए प्रभु रुक जा, देखो जरा बारिश देखो। मैं करता हूँ अपने गेट बंद, और मेरी तबीयत है ख़राब। मुझे टेम्परेचर क्योंकि बहुत बुरे हालत है, मैंने मेडिसिन भी ले ली है और जाना है। मैंने देखता हूँ अभी यार कब तक जाता हूँ, सोचता हूँ 3-1 बजे तक जाता हूँ ताकि 9-1 बजे तक पहुँच जाऊँ मैं वहाँ पे ज्वाला जी पर। हालत ख़राब है मेरी अभी फ़िलहाल तो, पर जाना तो पड़ेगा ही जैसे ना कैसे, क्योंकि कल इंटरव्यू था तो वो भी मैंने जैसे ना कैसे दे दिया, और अब जाना है मैंने। अब देखो अब निकलता हूँ, अब थोड़ी देर में रेस्ट करता हूँ, 15-20 मिनट पानी पूरी पीता हूँ गर्म पानी। मेरी हो चुकी है पैकिंग और ये रहे मेरे बैग, और मैं जा रहा हूँ अब कैंप की तरफ। की हल्की बूंदाबांदी में निकल चुका हूँ मैं, अब देखो कब तक पहुँचता हूँ। 4 बज चुके हैं, तक पहुँचते हैं हम भी, बस भगवान जल्दी पहुँच जाए। तो डिनर का टाइम रखा है मैंने उन्ना का, कि डिनर उन्ना में करूँगा। और तो परमाणु बाईपास पहुँच चुका हूँ मैं, और ट्रक ही ट्रक है। और क्योंकि ऐसे तो नज़दीक तो वैसे वहाँ हो के क्या बोलते हैं अपना ये डांडा घाट हो के, अगर हमने ज्वाला जी जाना है ना, बट टाइम सेम लगता है, 20-25 किलोमीटर दूर है इस यहाँ से, तो टाइम सेम ही लगता है। तो फिर रोड भी अच्छा है, तो थकते भी नहीं है, मेन चीज़ वो है। तो मैं तो यहीं से प्रेफर करता हूँ जाना, और अब चल रहा हूँ। शाम के 6 बज चुके हैं, चल बढ़े बस। अब रास्ते में सफ़र, अब मेरा एक कुलीग मिलेगा, मेरा दोस्त प्रेक्षित, वो मेरा वेट कर रहा है, वो उसके साथ फिर पार्टनर हो जाएगा ना मेरे साथ, आराम से फिर उस जाऊँगा मैं। जा रहा हूँ अब, तो ट्रैफिक तो यहाँ पे कम है अभी शाम को, बस सबसे बड़ी बात है ना सैटरडे को भी कम है यार ट्रैफिक। 9 सेकंड रह गए हैं, तो अब पहुँच चुके हैं और कोई सन्नाटा नहीं है भाई यहाँ पे, मतलब कि लोग वगैरह बहुत ना के बराबर। तो मतलब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इवनिंग लाइफ तो बिल्कुल ज़ीरो है। देख लो अब 10 बजे, अभी 10 बजे यार, मतलब कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ वही जो हमारे इधर भी होते हैं कुत्ते, मतलब वही दिख रहे हैं यार, और तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो होटल पहुंच चुका हूं मैं, सबसे पहले मैंने अपने चेंज किया, और ये है मेरा रूम और ये बेड। मैं दिखाता हूं गैलरी के बाहर क्या है, ज़रा कर्टन हटा के यहाँ ऊपर ज्वाला जी मंदिर है, और ये मेरा रूम है, और यहाँ पे बीतेंगे अब 10-15 दिन हमारे, और बढ़िया सेशन। तो मतलब मेरा तो फिलहाल मन नहीं था, पर जब वो रूम देखा ना होटल का तो दिल लग जाएगा अब काफ़ी। तो अब लेता हूँ मैं विदा, क्योंकि थोड़ा गला भी, तबीयत काफ़ी लंबा सफ़र हो गया, और अब पानी गर्म किया सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे। ये हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और हम निकल चुके हैं अब ग्राउंड की तरफ, आज देखते हैं क्या होता है, पहला दिन है आज हमारा। और मेरी अभी तो हालत थोड़ी बिगड़ी हुई है, देखो गला भी बैठ चुका है काफ़ी, अब जा रहे हैं बस ग्राउंड। और मेरे साथ है रॉकी, रॉकी बैलबा, रॉकी है मेरे ऑडियंस को हाय तो बोल दो यार, हेलो। साथ में शर्मिला लड़का है हमारे साथ आगे, छोटू दिखा दो यार शक्ल एक बार, छोटू ये देखो स्टाइल देख रहा है इसका। ऑन ग्राउंड पहुंच चुके हैं और ये है नज़ारा, और ये मेरे पुराने साथी बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं अपना, और इधर चल पड़े हैं फिटनेस टेस्ट। चल भाई, हमारे डॉक्टर साहब भी आए हैं इस बार,
प्लान भूल गया भाई अपना, तो बीमार है मैं तो जस्ट चिल करेगा अपन चिल। हमारे पाला जी आगे किन्नौर से, पाला कैसे कैसे आए किन्नौर से बताओ जरा थोड़ा। ऐसे करके वहाँ रोड टूटा हुआ तो पैदल जाके एक घंटा, फिर टैक्सी पकड़ी, फिर आगे बस पकड़ी, फिर जीप पकड़ी, फिर जीप पकड़ी तो आगे जाके हमें पता लगा कि बलौनी कौन सी जगह है वो, परमाणु फिर बंद है, चक्की मोड़ फिर बंद है, फिर हम बाया कसौली गए, कसौली से फिर परमाणु, फिर सुबह 4 बजे घर पहुँचे और यहाँ तो अभी जा रहे हैं। फिटनेस टेस्ट दे रहे हो, मैंने सुना कि आप बहुत फिट हो। बहुत ज़्यादा फिट है सर। तो ये है धर्म नदौन का ग्राउंड, धर्मशाला का नहीं है, और अब जा रहे फिटनेस टेस्ट हो रहा है क्योंकि हमने तो अभी दिया था 1.5 महीने पहले, तो हमारा नहीं है, जो दूसरा ग्रुप है बच्चे उनका है, तो चलो देखते हैं ज़रा। नहीं यार मेरे ऑडियंस को कुछ हिंदी में बताओ, कुछ क्या बताना बताओ, ये पूरे को पूरी बहुत ही प्यारी हिंदी बोलते हैं। अभी मत पूछो, अभी यो टेस्ट है तो पाजी हमारे टोली पाजी, और नमस्कार सभी, और मैं आपको हिमाचल के विराट कोहली से मिलाता हूँ। ये हमारे विराट फिटनेस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ विराट कोहली क्योंकि इनकी फिटनेस ही है, देख रहे हो आप एक बार। नहीं बाल सफ़ेद हो गए लेकिन फिटनेस विराट कोहली वाली है। अल्लाह इंतजार करे अपनी बारी का। और यहाँ पे मिस्टर हार्डी संधु, लोग बोल रहे कि हार्डी भाई की तरह लगते हो आप, हार्डी लगता है आपकी तरह क्यों? बिल्कुल है? मैं उसकी तरह नहीं, वो मेरी तरह है। और यहाँ पे हमारे मणि जो कि इन्होंने पास कर दिया है स्प्रिंट रिपीट। मणि कैसा लग रहा है स्प्रिंट रिपीट पास करके यार? बहुत ही बढ़िया। दो शब्द बोलने पे एक अगर कुछ बोलोगे तो आपको 100 रुपए, एक लाइन बोलनी है मणि भाई बू, सो एक लाइन बोल। बुखार तो है यार, नहीं लगता ही नहीं काम करा नहीं बस यार वंडी भाई। सबसे फिट हमारे राघव भाई सबसे आगे चल रहे है, ये देखो एक बार आप, और आप देखना भी लास्ट, जब लास्ट सेट चलेगा ना फिर भी ये सबसे आगे रहेंगे। लास्ट है राघव भाई सबसे पहले थे, अब देखते हैं लास्ट में कितना आते आगे। टोली भाई क्या बोलते हो, क्या आपने विराट कोहली सबसे आगे होते कि नहीं? नहीं मैं जानता हूँ, ये आपको लग रहा हो पीछे हैं लेकिन ये सबसे आगे हैं पीछे से। राघव भाई खींचो यार। राघव भाई बहुत बढ़िया, देख कैसा लग रहा है वो आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों में टेस्ट दो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि आप अपना फिटनेस लेवल मेंटेन कर पाए कि नहीं। तो फिटनेस टेस्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एवरी 3 मंथ्स एवरी प्लेयर प्रोफेशनल प्लेयर शुड गिव फिटनेस टेस्ट। नहीं बहुत बढ़िया भागे यार आप, पहले जो पहला सेट भागे बहुत। ये इंसान होगा बस, देख लो आप एक बार जरा, अरे चुप ही नहीं रहते यार। आते ही कैब में यो स्टार्ट हो चुका है और यो शुरू। इधर विकेट पूरी ग्रीन, देखो मैच होते हैं अब हमारे आगे, कब तक मैच होगे बताऊंगा, फिर अपडेट देता रहूंगा। और मैं गाना, व्हाट वुड यू लाइक टू प्ले? श्री प्ले एमसी स्क्वायर न्यू सॉन्ग, नाउ प्लेइंग लाडो बाय मार्क स्क्वायर। लाडो लग गया है गाना अब, ये फायदा श्री की। अब मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे कॉपीराइट लग जाएगा इसमें। अब करें अपन चिल, हम जा रहे होटल, पूरा दिन का हो गया सेशन खत्म, अब जा रहे होटल, अब करेंगे थोड़ा चिल वहां पे, नहीं तो एमसी स्क्वायर बाबा कॉपीराइट लगा लेगा। बेशक व्यू आते हैं बहुत ज्यादा। और ये चले हम, तो आज का दिन हो चुका है मेरा खत्म। आज हमारे थे फिटनेस टेस्ट, तो अब कल से है स्किल वर्क स्टार्ट सारा, तो फिर कल से करेंगे स्किल वर्क। अब थोड़ी तबीयत भी मेरी ठीक हो रही है, देखो कल और बेटर हो जाऊंगा, परसों के लिए तो पूरा बेटर हो जाऊंगा, तो देखो कल से करता हूँ स्टार्ट अपना बढ़िया। और कैंप तो बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा, तो अभी बस बैठे हैं, बस अब चिल कर रहे हैं, अब सोने की तैयारी है, बस अब थोड़ा फ़ोन करते हैं, अब स्क्रॉल।